सो अभी का जो प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के अंदर आपको एप्लीकेशन बनाना है जो फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, वॉवल एंड रिवर्स ऑफ द नंबर करके दे। तो एकदम सिंपल है ये बनाना, तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा शायद से, फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हो। सो लेट्स क्लिक एट अ न्यू फॉर्म। ओके, और इस फॉर्म के अंदर एक बटन ले लेते हैं। ये बटन किसके लिए रहेगा? तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कि पहले फिबोनाची सीरीज यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ, इंट एक्स लेता हूँ, ओके, एक्स को 0 कर देता हूँ, और इंट वाई लेता हूँ, और वाई को मैं 1 कर देता हूँ। श्योर। देन यहाँ पे जेड लेता हूँ, क्योंकि जेड के अंदर मैं वैल्यूज़ नया नवा नवा डालने वाला हूँ। तो इंट जेड, अभी मेरे को पता नहीं कि आप लोग को ये लॉजिक पता है या नहीं पता है, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप। ओके, फॉर लूप नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपको यहाँ पे सिर्फ लेंथ देना है कि कहाँ तक जाना है, दैट्स इट। तक मतलब कितना टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 2, तो उस समय पे मेरे को कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना ही है। सो मैं प्रिंट करते जा सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे पता है कि मेरा 0 एंड 1 हैज़ टू बी प्रिंटेड। ओके, सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ओके, स्ट्रिंग बोलता है एसटी इज इक्वल टू, पहला क्या प्रिंट कर, तो 0 एंड 1 तो प्रिंट करना ही है तुझे। तो 0 एंड 1 प्रिंट करना है, तो एक्स में 0 है तेरा, कॉमा डाल दे, देन वाई में 1 है, तो दैट्स इट। तो कॉन्केट कर दे, बाद में कॉमा भी डाल दे, ओके, आगे अपना काम करने को चालू करेंगे। तो सबसे पहला अभी मैं क्या करता हूँ, जेड को बोलता हूँ कि भाई अभी तेरे पास नया वैल्यू आएगा 0 प्लस 1, मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना काम हो गया। देन अभी मैं बोलता हूँ कि भाई तू जो क्या करने वाला, मतलब एक्स क्या करने वाला, वाई क्या करने वाला है, तभी एक्स के अंदर वाई का वैल्यू चला जाएगा, इसके अंदर वाई का वैल्यू चला जाएगा। इससे क्या होगा जरा बताओ मेरे को, एक्स के अंदर अगर वाई का वैल्यू चला जाएगा तो बोलो। अब प्रीवियसली तुम्हारा वाई क्या था, 1 था, वाई वॉज 1, अब 1 बन गया एक्स, 1 बन गया एक्स। ठीक है, अब वाई को एक नया वैल्यू मिलना चाहिए, दैट न्यू वैल्यू विल बी जेड। ओके, तो एवरी टाइम वो प्रीवियस वैल्यू नया नया ऐड होते जाना चाहिए। श्योर, मतलब ऐसे ही अपना काम चलना चाहिए, राइट ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाने के बाद मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एसटी के अंदर प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू डालनी है। ओके, दैट न्यू वैल्यू विल बी नथिंग बट वैल्यू ऑफ जेड, एंड लेट्स कॉन्कैटिनेट विद योर कॉमा, दैट्स इट। श्योर, एंड प्रिंट करने का है तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट चलेगा क्या, लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट एसटी। सो चेक करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही सही चल रहा है या नहीं। सो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 इज 2, देन 1 प्लस 2 इज 3, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आप बोल रहे हो कि सर यार ऐसा नहीं चाहिए, मुझे लिमिट 10 अगर बोल दिया तो 10 तक ही जाना चाहिए, मतलब 8 आ गया ना और मेरे 13 मिला, तो 13 मिला तो अंदर नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ जेड इज 13 और एक ऐसे उसका आउटपुट 13 आएगा, तो मैं प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो उस समय पे आप लोग क्या करोगे, उस समय पे आप लोग वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज़ अ वाइल लूप, मतलब इसके अंदर आप कंडीशन भी डाल सकते हो, प्रिंट करना है या नहीं करने का, या फिर ब्रेक करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि सपोज मुझे 8 तक ही जाना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो प्रिंट करना है वो 8 तक ही करना है। ओके, सो यहाँ पे एसटी के अंदर जब प्रिंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग ये डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम लोग इसको डाल सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ जेड, इफ द वैल्यू ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 10, अगर ग्रेटर देन 10 रहेगा तो भाई कुछ कर मत, ब्रेक कर। ओके, दैट्स इट, मेरे को और आगे चला मत। सो अभी क्या होगा कि वैल्यू जो ग्रेटर देन 10 रहेगा, मतलब 8 से आगे के वैल्यू दिखेंगे ही नहीं, तो ये लिमिट हो जाएगा उसको। चलो चेक करते हैं, देखा। अभी आप लोग बोला कि मेरे को सर एक काम करो, 20 तक ही दिखाओ, मतलब 20 तक का ही बना के सीरीज बताओ, तो 20 तक का ही आएगा, मतलब 20 तक के अंदर के ही लोग आएंगे, उसके ऊपर के नहीं आएंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन
गिव अ लिमिट टू इट, अगर आपको इसको फंक्शन में डालने का है तो फंक्शन में भी डाल सकते हो. ओके सो ये आपके ऊपर है, मैंने तो ऐसा ही लिखा है. पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको बोलता हूँ कि फिबोनाची सीरीज, और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मेरे को लिमिट दे. ओके दैट्स इट, एंड द लिमिट विल बी यूज्ड हियर. श्योर, एंड यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ा वैल्यू दे सकते हो 100 तक का, ताकि जो कुछ भी लिमिट है उसके अंदर तक हद तक रहे, या फिर वी कैन चेंज समथिंग एल्स ऑल्सो. सिर्फ वाइल लूप से भी काम हो सकता है, लेकिन आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया तो उसके पीछे पड़ जाओ, डोंट वरी. तो रिटर्न कर देंगे एसटी. ओके योर वर्क इज डन. अभी नेक्स्ट काम क्या था अपने लिए, कि भाई अपने को प्राइम नंबर के लिए देखना था. तो प्राइम नंबर भी एकदम फालतू है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग. ओके प्राइम, यहाँ पे भी इंट नंबर. सो यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ. श्योर, तो मैं प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करने को चालू करूँगा और नम के पहले उसको रोक दूंगा. मतलब अगर 7 रहेगा तो मैं 2 से डिवाइड करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, 6 से करेगा, 7 से नहीं करेगा, क्योंकि 1 एंड 7 से तो होने ही वाला है. तो अभी मैं इस नंबर को डिवाइड करते जाता है, चेक करते हैं इफ. ओके इफ आई मॉड, क्या लिखा मैंने, आई मॉड, आई मॉड बाय समथिंग, लेट अस ट्राई. आई मॉड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, नम मॉड बाय आई, ओके इज इक्वल टू 0. अगर रिटर्न क्या हो गया, 0, इसका मतलब ये डिवाइड हो चुका है. ओके डायरेक्टली एक काम कर देना, यही पे रिटर्न कर देना, नहीं ये प्राइम नहीं है, और ब्रेक कर देना. समझे? श्योर. अब फॉर लूप खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि इधर ही रिटर्न कर देगा, समझे? तो ब्रेक का कुछ मतलब ही नहीं बनता. ओके तो ब्रेक का तो मतलब ही नहीं, इधर से रिटर्न होने वाला है. और फॉर अगर इसके अंदर आया ही नहीं, तो फॉर खत्म हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, हाँ ये प्राइम नंबर है बॉस. ठीक है, ये भी तरीका है, मतलब थोड़ा इजी, छोटा सिंपल सा तरीका. ठीक है, सो स्टार्ट करें. ओके ये बटन के आ गया ना, अपन कुछ करना चाहिए था ऐसे. अभी 2-3 बटन लेने पड़ेंगे तो यार एक गलत हो जाएगा यार, तो इसको मुझे बताना पड़ेगा. ये मेरा फिबोनाची सीरीज, ये दूसरा कौन सा है मेरा, ये मेरा प्राइम वाला फालतू चीज़. ओके और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं ना, सी लेंथ विंथ लेने के लिए किधर तक का जो कुछ भी है, ठीक है कोई इशू नहीं है. और एक लेबल ले लेते आउटपुट के लिए. ओके सो इधर जाने के बाद मैं बोलता हूँ कि यार फिबोनाची सीरीज कॉल कर, एंड इसके अंदर लिमिट चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का वैल्यू मुझे लिमिट दे देगा. तो लेट्स कन्वर्ट इट टू दिस इंटीजर 16, 32, वॉट एवर इट मे बी, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो. डन. देन आता है मेरा प्राइम वाला, तो वहां पर भी सेम. ओके से फिप के जगह पे लिखेगा मैं प्राइम, दैट्स इट. सेव कर दो, एक बार रन करो और लेट्स चेक इट आउट. या फिबोनाची सीरीज का 10 का रेंज चाहिए, लेट्स क्लिक ऑन इट. क्लिक ऑन इट, व्हाट हैपेंड, लिफ्टा, लेट्स चेक इट आउट. अरे भाई आउटपुट को लेबल में दिखाना है या नहीं, आउटपुट ही नहीं दिखाया है, कैसे चलेगा. ओके लेबल, भाई लेबल, लेबल के अंदर दिखा आउटपुट. ओके लेट्स सी. हेलो अब देखते हैं प्राइम है क्या, नहीं नहीं ये प्राइम नहीं है. अब देखते हैं 5 प्राइम है क्या, हाँ चलो वेरी गुड, अच्छा है. अब क्या करते हैं, अब और एक फालतू चीज़, कौन सा वॉवल है क्या नहीं यार, पब्लिक स्ट्रिंग
वॉवल। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर पास करूँगा या फिर स्ट्रिंग पास करूँगा। लेट अस टेक स्ट्रिंग, आई कैन से सी। एक एक कैरेक्टर ही चेक करना है हम लोग को, अज्यूम करके रखते हैं, एक एक कैरेक्टर ही चेक करना है। सो अभी मैं चेक करता हूँ इफ कंडीशन के अंदर कि वॉवल्स क्या होते हैं, ए आई ओ यू। ओके, चेक कर कंटेन करता है क्या, मतलब जो कुछ भी उसने सी में दिया है क्या वो वॉवल्स के अंदर है। मतलब अगर उसने एक्स पास किया तो सी के अंदर एक्स है, क्या वो एक्स ए आई ओ के अंदर मेंटेन्ड है क्या, कंटेन करता है क्या? नहीं ना। अगर करता रहेगा तो ठीक है, अगर करता रहेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। और अगर ट्रू रिटर्न किया तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये ब्लॉक चलेगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये वॉवल है, तो रिटर्न कर वॉवल। एल्स रिटर्न कर नो वॉवल। ठीक है, चल अभी एक बटन लो। ओके, सेम तरीका, कॉपी पेस्ट। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ही तो पूछा है। ओके, वावल। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ऑलरेडी डिप्लॉयड है। हाँ बोलो, डब्ल्यू वावल है, नो वावल, ई वावल है, हाँ वावल। ठीक है यार, तुम लोग इसको अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, मेरे को डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं आता। श्योर, सो दैट्स वावल एंड देन द रिवर्स ऑफ द नंबर। ओके, और भी बेहतरीन तरीका, इसको बोल दो ये वावल है और ये है मेरा रिवर्स। ओके यार, इसको तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि लेबल वन के टेक्स्ट के अंदर क्या कर, जो टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दे, रिवर्स कर दे, काम खत्म। ओके, क्या प्रॉब्लम हुआ इसको, स्ट्रिंग ही तो है। ओके, मैक्स उल्टा अगला, ये तो लफड़ा ही हो गया, इनमेरेबल टाइप रिवर्स बराबर नहीं चला। ओके, सो जब ऐसा काम होता है ना कि कोई फंक्शन नहीं मिलता है। ओके, सो लेट्स सी क्या इसके अंदर रिवर्स नाम की चीज़ था। नो वरी, जावास्क्रिप्ट सब जगह पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता है। सो क्या फ़र्क गिरता है ना, उल्टा करना है उल्टा करेंगे। ठीक है, ओके, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है और मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, ओके, उसका एक लेंथ रहेगा। ओके, अब मैं क्या करते जाता हूँ, पहला मुझे उठाना है उल्टा इंडेक्स, मतलब अगर मेरे पास चार कैरेक्टर्स है तो लास्ट का इंडेक्स रहेगा 3, बाद में का इंडेक्स रहेगा 2, बाद में का इंडेक्स रहेगा 1 और पहला इंडेक्स रहेगा 0, तो उल्टा उठाना पड़े। अभी क्या करना है मुझे, सब कुछ उल्टा उठाना है, कुछ समझे? स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे लेंथ विल बी द स्टार्ट, ठीक है, देन मैं आई शुड बी लेस देन व्हाट, लेस देन तो बोल सकता है कि 0 और -1। ओके, तो लेस देन -1 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस माइनस करूँगा। ओके, सो ये क्या कर रहा है, उल्टा लूप चल रहा है। एंड देन मेरे पास पहला पे तो लेबल को खाली कर देते हैं, लेबल भाई खाली हो जाओ। ओके, एंड देन मैं बोलता हूँ लेबल के टेक्स्ट के अंदर प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू क्या डालना है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई टेक्स्ट बॉक्स है ना अपना, उसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, अरे टेक्स्ट, उसका कौन सा इंडेक्स उठाने का, तेरे को मालूम, आयत इंडेक्स। काम खत्म, एक एक करके वो डालते जाएगा और उल्टा प्रिंट करते जाएगा। सो लेट्स सी, हैं
क्या हुआ इसको? रिवर्स के लॉजिक में प्रॉब्लम क्या हुआ? क्योंकि पहले तो फोर था, सो आई इज लेस देन दिस वन, ओके शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन. हाँ, एरे आउट ऑफ इंडेक्स. ओके, सो 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 कुछ गड़बड़ किया अपन ने. ओके, तो लेंथ 4 रहेगा. अरे बाप रे, 4 माइनस 1 ना. ओके, लेंथ शुड बी 4, राइट? अगर मेरा वैल्यूज जो है ऐसा है, तो इसका लेंथ कितना हुआ रे? 4 हुआ. तो उसके हिसाब से 4 वाले का इंडेक्स क्या हुआ? 3. और मैंने यहाँ पे क्या लिया? लेंथ. ओके, तो लेंथ माइनस 1 लेना है, तब आई इनिशियल एस किसके ऊपर हो जाएगा? 3 पे. ओके, 3 के ऊपर इनिशियल एस हो जाएगा. आई माइनस माइनस करने वाला हो, बाद में वापस माइनस माइनस करने वाला हो, तो आई का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -1. मैंने क्या लिखा था? लेस देन -1. ठीक है, ठीक है, तो हो जाता है, हो जाता है, प्रॉब्लम तो होता ही है. ओके, सो दैट्स इट. ओके, सिंपल. हाँ, घाई घाई के मैं प्रोग्राम मत करना. अगर ऐसा कुछ अटके ना तो ध्यान देना, आराम से एक पेपर के ऊपर लिखना या फिर कंप्यूटर के ऊपर किधर भी नोट पैड ओपन करके लिखना कि हर एक का इंडेक्स क्या है, आपको आराम से मिल जाएगा. इवन रिवर्स ऑफ नंबर भी हो गया, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन स्ट्रिंग. लो, काम तमाम. ओके, दैट्स इट. कितना सिंपल है. आपको प्रोग्राम देखना है, यू कैन स्क्रोल डाउन एंड यू कैन सी. ओके, तो मैं थोड़ा सा फास्ट स्क्रॉल कर देता हूँ, बट यू कैन पॉज इट एंड यू कैन सी इट. ओके, दिस इज फिबोनाची सीरीज. स्टॉप, प्राइम एंड वावल, देन ब्ला 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 थिंग्स. ओके,